प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए महामिशन के तहत मथुरा से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने प्रदेश में 1,059 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने पशुधन आरोग्य मेले में राष्ट्रीय पशु रोग निवारण, देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए गो सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पशुओं के खुरपका, मुंहपका और ब्रसलोसिस बीमारी के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत की। पॉलिथीन खाने की वजह से बीमार हुए पशुओं के ऑपरेशन की नवीन तकनीक को नजदीक से भी देखा। अपने संबोधन में पीएम ने बिना नाम लिए इशारों में कुछ लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ओम और गाय का नाम सुनकर कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीएम ने गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि दूध, दही, मक्खन पर्यावरण के बिना बाल गोपाल की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए गौ सेवा सबसे जरूरी है। योगी जी की सरकार आगे बढ़ रही है, मैं उन्हें इस मानवता के पवित्र कार्य में स्वच्छता को बल देकर के बच्चों की जिंदगी बचाई है, इसके लिए इसमें जुड़े हुए सब किसी को, नागरिकों को, परिवारों को, संस्थाओं को, सरकार को, हर किसी को बधाई देता हूं और एक प्रकार से आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल इस योजना का मकसद गाय को प्लास्टिक खाने से बचाना है, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। पीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर गौ रक्षा की भागीदारी में अपना सहयोग करें। R9 TV, ब्यूरो रिपोर्ट।